Good evening all. So in the last session, we have discussed about some basics of like data science concepts, what exactly data science is, machine learning, what is machine learning, what is deep learning, what is artificial intelligence, how they are related. Okay, all these things we have discussed. Even I told you what is the life cycle of a data science based project or machine learning based project. The life cycle kya tha, isko bhi humne discuss kiya tha. ओके इस तरह का हमें लाइफ साइकिल फॉलो करना चाहिए, ये सब चीज हमने डिस्कस किया है लास्ट क्लास में. तो आज और मैं कुछ एक रिग्रेशन का और एक क्लासिफिकेशन का कुछ एग्जांपल भी लास्ट क्लास में प्रैक्टिकल किया था. जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि आज हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को लेकर पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो जो स्टेप्स मैंने बताया था सारा चीज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है. तो आज जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं, प्रॉब्लम है, तो ये एक प्रॉब्लम है, इसको हम आज सॉल्व करेंगे पूरा. तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि यहाँ पर ये टर्म आता है कि प्रेडिक्शन. प्रेडिक्शन का टर्म जब आता है तब हम लोग सोचते हैं कि मशीन लर्निंग के बारे में सोचते हैं. तो प्रेडिक्शन मतलब किसी भी तरह का प्रेडिक्शन, किसी भी तरह का प्रेडिक्शन हो वो काम हम मशीन लर्निंग हो या डीप लर्निंग हो उसे कर सकते हैं. मैंने लास्ट क्लास में बताया था मैं कब मशीन लर्निंग यूज करना है, कब डीप लर्निंग यूज करना है. इस प्रॉब्लम को, ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो, डायबिटीज प्रेडिक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग, इसको हम डीप लर्निंग में भी कर सकते हैं. मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, वो टेक्निक रखते हुए डीप लर्निंग हम तभी यूज करते हैं, मैंने बताया था, जब डाटा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. और क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा डाटा होता है उस टाइम में मशीन लर्निंग का जो मॉडल होता है उसका परफॉर्मेंस थोड़ा कम हो जाता है, एट दैट टाइम हम यूज करते हैं. लेकिन आज का जो टॉपिक है हम इसी को भी कंसंट्रेशन करेंगे पूरा, डायबिटीज प्रेडिक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग. देखिए आजकल ये जो डायबिटीज डिजीज है ये कॉमन डिजीज है, बहुत लोगों में ये पाया जाता है आजकल. तो हम इसको अगर प्रेडिक्शन करेंगे, इसी डायबिटीज के वजह से बाकी सब डिजीज भी होता है, तो इसको प्रेडिक्शन करने के लिए अगर हम एक ऐसा सिस्टम बना देंगे ताकि अगर एक यूजर आएगा हम उसको कुछ पूछेंगे, बताओ आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपका इंसुलिन लेवल कितना है, इस तरह डाटा लेट्स, आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना है, ये सब पूछेंगे. तो पूछने से वो जब एंटर करेगा अपना डाटा तो हमारा मॉडल जो है उसे बता देगा कि इसको डायबिटीज होगा कि नहीं होगा. अगर मॉडल उसको बता देगा कि इसको डायबिटीज होने वाला है या हो गया है तो वो प्रोसेस हो जाएगा, ही विल बिकम केयरफुल. तो इसीलिए हम इसमें इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारा वर्क हुआ है, बहुत सारा रिसर्च वर्क हो रहा है, चल भी रहा है, ठीक है. तो इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का हम पूरा आज एक्सप्लोर करेंगे. तो ये जो पर्टिकुलर हमारा प्रॉब्लम है डायबिटीज प्रेडिक्शन, देखिए मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि मशीन लर्निंग में जो मशीन को सिखाएगा, कौन सिखाएगा, मशीन को सिखाने के लिए डाटा होता है, डाटा इज द टीचर ऑफ ए मशीन. तो ये डाटा हमने कलेक्ट किया, तो पहला स्टेप होता है डाटा कलेक्शन. तो डाटा हमने कलेक्ट किया है, तो डाटा हमने कलेक्ट किया है ये वो डाटा है, आप लोग देखो देख पा रहे हो, ये वो डाटा सेट है. इस डाटा सेट का नाम है फिमा इंडियन डायबिटीज डाटा सेट. इसमें अराउंड 9 कॉलम्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो पहला जो 8 कॉलम्स है ये इनपुट है और जो लास्ट वाला कॉलम है ये रिजल्ट है. रिजल्ट 1 मतलब इसको डायबिटीज, ये डाटा कलेक्शन किया गया है, 768 लोगों का डाटा कलेक्शन किया गया है. इसमें कुछ लोगों को डायबिटीज था, कुछ लोगों को नहीं था. 1 मतलब उसको डायबिटीज था, 0 मतलब नहीं था. ऐसे 768 लोगों का डाटा हमारे पास है, ठीक है. तो ये सब पैरामीटर क्या क्या है, यहाँ पर हेडिंग नहीं दिया गया है, तो ये सब पैरामीटर क्या क्या है दिखाएंगे आपको. देखिए ये सब पैरामीटर क्या क्या है, यहाँ पर हमने पैरामीटर का डिस्कस
पैरामीटर का जो डिस्कशन है वो किया है। तो क्या क्या पैरामीटर है? एक पहला पैरामीटर जो वो प्रेगनेंसी है, एक्चुअली एक फीमेल लैडर सेट है, ठीक है। प्रेगनेंसी का मतलब होता है हाउ मच टाइम इज प्रेगनेंट। ग्लूकोज का वैल्यू कितना है? नॉर्मली 140 से 200 के बीच में रहना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो चांसेस ज्यादा है होने का, ठीक है। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर भी एक फैक्टर होता है, तो अगर 90 से एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 90 से ज्यादा होगा तो हाई बी पी है, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है आपका डायबिटीज। ये सब फैक्टर से जो कि डिपेंड करते हैं। स्किन थिकनेस, नॉर्मली जो डायबिटीज होता है उसका स्किन थोड़ा थिकनेस थोड़ा बढ़ जाता है, तो नॉर्मली स्किन को थिकनेस अगर 23 mm से ज्यादा होगा तो दैट इज बैड। इस 23 उससे अगर ज्यादा होता है तो चांसेस होता है कि डायबिटीज का चांस बढ़ जाता है। इंसुलिन, नॉर्मल इंसुलिन लेवल ये होता है हमारे बॉडी में, तो उससे ज्यादा होगा तो डायबिटीज का खतरा रहता है, ठीक है। देन बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स मतलब वेट बाय हाइट स्क्वायर। एक बॉडी मास इंडेक्स होता है एक हेल्दी आदमी का, ठीक है। तो इसका रेंज होता है 18.5 से अगर 20 के बीच में होगा तो नॉर्मल है, 25 से अगर 30 के बीच में होगा ओवरवेट है, अगर 30 से ज्यादा होता है वो ओबेस के रेंज में आता है, ठीक है। तो और एक पैरामीटर हमने लिया है डायबिटीज पीडिग्री फंक्शन। पीडिग्री का मतलब होता है नॉर्मली क्या होता है, अगर मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज है तो मुझे भी डायबिटीज होने का चांसेस क्या है ना रहता है। अगर मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज है तो मुझे भी डायबिटीज हो सकता है, ये चांसेस है ज्यादा होता है, उसके लिए फंक्शन कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। तो ये एक वैल्यू देता है, उस वैल्यू से हम डिटरमिन कर सकते हैं कि कितना चांसेस है। देन और एक पैरामीटर एज, और फाइनली जो नाइन्थ वाला पैरामीटर है वो रिजल्ट, ठीक है। तो ये सब पैरामीटर्स मेरे डाटा सेट में है, ओके। तो पहला काम क्या है? पहला काम है मैं उस डाटा को मेरे प्रोग्राम में लोड करूंगा। डाटा कलेक्शन हो गया है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? लोड द डाटा, लोड द डाटा टू प्रोग्राम। तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्या? इसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं एक पैरामीटर का नाम है पांडा, एक पैकेज पाइथन का बहुत पॉपुलर पैकेज है पांडा, इंपोर्ट पांडास एंड ये पांडास पैकेज बहुत ही पॉपुलर है, ये डाटा साइंस और डाटा एनालिसिस के लिए बहुत ही कारगर तरीका है। तो अभी हम इस डाटा को लोड करेंगे। कैसे लोड करेंगे? डीएफ का मतलब होता है डाटा फ्रेम। तो ऐसा नहीं कि आप डीएफ लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी। ये एक सीएसवी फाइल था, जो फाइल अभी दिखा रहा था मैंने आपको एक्सेल की तरह दिख रहा था, एक्चुअली बुक सीएसवी फाइल है, कॉमन सेपरेटेड वैल्यू। जब इसको सेव करते हैं तो वो उस तरह दिखता है, एक्सेल का सीएसवी फाइल। तो कहाँ पर है मेरा? मैंने इसको रखा है ई ड्राइव में, और उसका नाम क्या है? पीमा डॉट सीएसवी। तो एक बार उस डाटा को देखते हैं, तो मैंने रन किया इसको, देखो आप लोग देख सकते हो कि डाटा सेट लोड हो गया है, ठीक है। कितना आ रहा है? 767। ऐसा क्यों? 768 का, क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर ये जो डाटा है, ये जो पहला कॉलम है वो हेडिंग हो गया है, मतलब पहला जो आदमी का जो डाटा था वो हेडिंग ले गया है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जो डाटा सेट दिखाया था उसमें कोई हेडिंग नहीं था, उसमें कोई हेडिंग नहीं था, तो हेडिंग हम दे सकते हैं। अगर डाटा सेट पर हेडिंग ना हो हम यहाँ से हेडिंग दे सकते हैं। कैसे? उसका एक तरीका है, हमारे पास कॉलम्स क्या क्या है, कॉलम्स क्या क्या है, कॉलम का नाम दो। पहला कॉलम क्या था? तो मैं यहाँ से कॉपी करके लिख रहा हूँ, पहला कॉलम था लाइक प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर जो जो कॉलम्स है मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, लेट्स से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। सबसे अच्छा तरीका होगा प्रेगनेंसी, देन कॉमा, देन क्या था? ग्लूकोज, ग्लूकोज। थर्ड क्या था? देखिए यहाँ पर थर्ड था ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को मैं लिख रहा हूँ शॉर्टली, क्या लिख रहा हूँ? बीपी, ब्लड प्रेशर। इसका कोई मैंडेटरी नहीं कि यहाँ पर जो नाम होगा वो आप अपने हिसाब से दे सकते हो। स्किन थिकनेस, तो मैं इसके दे रहा हूँ क्या? स्किन। देन क्या है?
इंसुलिन, देन क्या है आपका बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई, बीएमआई, देन क्या था ना पेडिग्री फंक्शन, ये था क्या ना पेडिग्री, पेडिग्री होता है जो अगर पेरेंट को होता है तो चाइल्ड को भी होने का चांसेस होता है, ये पेडिग्री है, ठीक है। तो मैं सबको स्मॉल लेटर में रख रहा हूँ, पेडिग्री और लास्ट क्या है एज और रिजल्ट, तो लास्ट कॉलम फोर कलर एट्रीब्यूट एज है और फाइनली जो है वो क्या है रिजल्ट। आप लोगों को पता होगा पाइथन में अगर एक लाइन में आप दिखा ना सको तो क्या करोगे एक बैकस्लैश दे देना। अभी ये जो कॉलम्स है मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, किसमें इस डाटा फ्रेम में, कैसे ऐड कर सकता हूँ, कॉमा या नेम्स इक्वल टू कॉलम। अब आप देख रहे हो ये सब कॉलम के मैंने ऐड कर दिया, तो अभी डाटा सेट अच्छा लग रहा है। आप लोग समझ पाओ हाँ ये प्रेगनेंसी है, ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, स्किन, इंसुलिन, बॉडी मास इंडेक्स, पेडिग्री, एज, रिजल्ट, हो गया। तो ये बन डाटा, तो मैं जानना चाहता हूँ मेरे पास कितना डाटा है, जानने के लिए हम लिख सकते हैं df dot step, step नाम का एट्रीब्यूट। तो वो बताया 768 रो और 9 कॉलम इस डाटा से, ठीक है। मैं लेट से फर्स्ट 5 रो को दिखाना चाहता हूँ df dot, मैं पहला 5 रो है वो दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हेड, क्या है हेड का मतलब है इट विल शो द फर्स्ट 5 रोज, करेक्ट, ठीक है फर्स्ट 5 रोज। अगर मुझे लास्ट 5 रो दिखाना है तो मैं लिखूंगा टेल लास्ट 5 रो, अगर मुझे रैंडमली मैं चाहता हूँ रैंडमली दिखाने के लिए रैंडमली मैं 5 सैंपल देखना चाहता हूँ रैंडमली, मैं इसको फिर से रन करूंगा फिर से रैंडमली आएगा, हर एक बार वो रैंडमली दिखाएगा, ठीक है। तो मैं डाटा सेट को भी समझना पड़ेगा ना, ये मैंने दिखाया। अब मैं चाहता हूँ जानने के लिए कि मेरे पास कितना ये जो डाटा है हाउ मेनी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, इसमें कितना लोग डायबिटीज था और कितना लोगों का डायबिटीज नहीं था, तो वो कौन बताएगा लास्ट कॉलम, तो लास्ट कॉलम क्या बताएगा डिस्प्ले डिस्प्ले नंबर ऑफ पीपल विद एंड विदाउट डायबिटीज, कैसे लिखा डीएफ ऑफ, लिखा क्या डीएफ ऑफ, सपोज मैं लिखूंगा लास्ट कॉलम का नाम क्या था रिजल्ट, इधर ना इक्वल इक्वल क्या लिखेंगे मैं इक्वल इक्वल टू मैं लिखूंगा जीरो, जीरो मतलब डायबिटीज नहीं था। देखो ये आउटपुट में देखो सिर्फ जीरो आ रहा है, कितना लोग हैं 500, तो 500 लोगों को डायबिटीज नहीं था, तो 500 लोग जो थे डायबिटीज नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस पे लिखूंगा वन, रिजल्ट वन कहाँ कहाँ पर है, अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर वन क्या आंसर है 268 लोगों को डायबिटीज था। तो ये मेरा जो डाटा सेट है जो 760 डाटा है इसमें 500 लोगों को डायबिटीज नहीं था, 268 है उनको डायबिटीज। तो उसके लिए ये चीज दिखाने के लिए और एक अच्छा सा फंक्शन है, हम लिख सकते हैं क्या ना डीएफ ऑफ अंडर के बहुत सारा फंक्शन है डॉट वैल्यू अंडरस्कोर एक मेथड है, वैल्यू का एक मेथड है जो कि आपको बताएगा कि कितने लोगों को डायबिटीज है और नहीं। वन सेकेंड क्या आया, ओहो लास्ट कॉलम क्या है रिजल्ट नॉट रिजल्ट, क्या जीरो कितना है ना 500 है, वन कितना है 260। तो इसको मैं इस तरह रख रहा हूँ कैसे, जैसे पहला क्या है नो, जीरो मतलब नो, सेकेंड क्या है डायबिटीज नहीं, और
ये इसका मतलब क्या है? तो मैं इसको स्लिप पे क्रिएट किया लाइक एन कॉमा ओके, तो 500 लोगों को डायबिटीज नहीं था और जो बाकी जो था 260 लोगों को डायबिटीज था इस डाटा में। तो डाटा के द्वारा थोड़ा आइडिया आ गया हाँ कितना लोगों को है डायबिटीज नहीं है, ठीक है। देन करना क्या है, मैं चाहता हूँ इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के, इस डाटा को मैं ग्राफिकली दिखाना चाहता हूँ। ग्राफिकली दिखाने से समझने में आसान होता है। तो ग्राफिकली कैसे दिखाऊंगा, ग्राफिकली दिखाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, इम्पोर्ट कर रहा हूँ मैटप्लॉटलिब डॉट आईप्लॉट एंड पीएलजी। मैटप्लॉट लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर रहा हूँ। मैटप्लॉटलिब यूज होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, और भी एक सीबॉर्न भी एक है। तो मैं क्या करूंगा, तो मेरा अलग से जो एक्स एक्सिस में क्या रहेगा, एक्स एक्सिस में मेरा रहेगा क्या, मैं लिखा पहला क्या था, नो डायबिटीज कॉमा, वाई में क्या रहेगा डायबिटीज, ठीक है। और वाई एक्सिस में क्या रहेगा, तो वाई एक्सिस में आपका रहेगा क्या, एन कॉमा वाई जो अभी मिला था। क्या करेंगे ना, PLT डॉट एक होता है बार प्लॉट, बार करो क्या करेंगे n x कॉमा y, एक बार देखो सारा है ग्राफ, नो डायबिटीज और डायबिटीज। तो इसको हम डिजाइन कर सकते हैं लाइक मैं दूंगा लेट से लाइक कलर इक्वल टू जैसे मैंने लिया रेड कॉमा ग्रीन, तो ऐसे हम कर सकते हैं। फाइनली PLT डॉट, तो यहाँ पर तो लिखने से चलेगा लेकिन बाकी जो आईडीज यूज करोगे ये जुपिटर में चलेगा, लेकिन बाकी सब आईडीज है यहाँ पर आपको ये 100 लिखना पड़ता है। तब हमने देखा नो डायबिटीज कितना है, डायबिटीज कितना है ग्राफिकल दिखा। मैं परसेंटेज दिखाना चाहता हूँ कि हाउ मेनी पीपल, परसेंटेज क्या है कि कितना लोगों का डायबिटीज था, जैसे कि आपने देखा तो परसेंटेज वाइज दिखा। तो परसेंटेज वाइज दिखाने के लिए नॉर्मली हम यूज करते हैं एक चार्ट, उसको बोलते हैं पाई चार्ट। तो हम चाहते हैं क्या, डिस्प्ले डाटा परसेंटेज वाइज इन पाई चार्ट में पाई चार्ट। तो पाई चार्ट कैसे करेंगे, PLT और पाई क्या करेंगे बताइए, क्या क्या हमारे पास है ना, यहाँ पर हमने लिया था क्या लिया था n कॉमा वाई, तो लिख रहा हूँ मैं क्या n कॉमा वाई। देखो एक बार देख रहे हो आ रहा है ये पाई चार्ट है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं कुछ दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब पता नहीं चल रहा है कि कौन किस, हाँ पाई चार्ट ड्रॉ हो गया है लेकिन कौन सा नो है कौन सा ये से पता नहीं चल रहा है। तो क्या करेंगे इसको देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, लिखो लेबल, लेबल इक्वल टू क्या लिखेंगे, लेबल इक्वल टू पहला क्या है, पहला पैरामीटर क्या है नो है, और जो दूसरा क्या है डेबिटर। देखो तो नो ज्यादा है, ये क्या है कम है, लेकिन परसेंटेज नहीं दिखा रहा है। तो परसेंटेज हम दिखा सकते हैं कैसे, उसके लिए एक है पैरामीटर ऑटो परसेंटेज, ऑटोपिसिटी, ऑटोपिसिटी इक्वल्स टू क्या देंगे परसेंटेज 0.2 एफ परसेंटेज ऑटो सॉरी ऑटो। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर तो क्या है ना 65% लोगों को डायबिटीज नहीं है और जो 34% है उनको आराम डायबिटीज। तो हमने इसको परसेंटेज वाइज डिस्प्ले कर दिया, तो ये समझने में आसान है। ओके अब क्या करना है, अब हम चाहते हैं जो हमारा डाटा है, हम चाहते हैं इस डाटा में देखने के लिए कि कोई मिसिंग मैन तो नहीं है। मिसिंग मैन मतलब डाटा कलेक्शन हुआ था तो उस टाइम में कोई फील्ड छूट गया है क्या,
तो वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डाटा अगर क्लीन नहीं होगा तो डाटा को क्लीन करना पड़ेगा हमको। तो अभी जो हम करेंगे क्या, फाइंड आउट मिसिंग वैल्यू, फाइंड मिसिंग, क्योंकि डाटा अगर सही नहीं होगा तो प्रेडिक्शन भी गलत होगा, अच्छा नहीं होगा। तो डाटा जितना आपका करेक्ट रहेगा और एक्यूरेट रहेगा, क्लीन रहेगा, तो आपका मॉडल भी उतना अच्छे से काम करेगा। गलत चीज सिखाओगे मॉडल को तो वो गलत प्रेडिक्शन करेगा। मिसिंग वैल्यू, तो फाइंड द मिसिंग वैल्यू, तो मिसिंग वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? देखिए मिसिंग वैल्यू फाइंड करने के लिए पांडा में एक बहुत ही बढ़िया सा फंक्शन है, क्या कर सकते हैं, जैसे क्रिएट डॉट इज नॉल डॉट सम। तो ये कमांड जो होता है इज नॉल का मतलब वो नैन वैल्यू को चेक कर रहा है, नैन एन एन मिसिंग वैल्यू, और हर एक कॉलम का दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखो कि हमारा जो कॉलम, हमारा जो डाटा है उसमें कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, सब में जीरो है। तो ये जो डाटा सेट है इसमें कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डाटा थोड़ा परफेक्ट है, ये डाटा परफेक्ट भी नहीं। क्यों? क्योंकि इस डाटा में बहुत जगह जीरो वैल्यू है। अगर आप इस डाटा को देखोगे तो इसमें बहुत जगह पर जीरो है। देखिए ये सब जीरोस है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कॉलम में जीरो वैल्यू भी है, यहाँ पर भी जीरोस है, यहाँ पर भी जीरोस है। अगर लेट्स से ब्लड प्रेशर में जीरो है, इसका मतलब क्या है? क्या वो आदमी मर गया है? पॉइंट, अगर किसी का ब्लड प्रेशर अगर जीरो दिखाएगा तो इसका मतलब क्या है, व्हाट द मीनिंग ऑफ दैट? अगर किसी का ब्लड प्रेशर जीरो आएगा तो गलत है कि नहीं? तो सपोज फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ डीएफ ऑफ ब्लड प्रेशर, हम जानना चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर कहीं पर जीरो है क्या। देखो ऐसे बहुत जगह है जहां पर ब्लड प्रेशर जीरो है, देख रहे हो कि बहुत सारा डाटा कितना है टोटल, देख रहे हो, मतलब रो नंबर 7 रो नंबर 15 सारा जगह पर ब्लड प्रेशर क्या है, जीरो है। तो ब्लड प्रेशर जीरो का मतलब क्या है? तो मतलब आदमी मर गया है, तो इज इट करेक्ट? नो। तो हो सकता है यहाँ पर जो मिसिंग वैल्यू था उसको जीरो दे दिया गया है, जिसको ये वाला हैंडल नहीं कर पाया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर NN नहीं लिखा गया है। तो क्या करेंगे, जैसे हमें जानना पड़ेगा कि कौन कौन सा कॉलम में मिसिंग वैल्यूज है, मतलब जीरो है, तो यहाँ पर तुम्हें मिल गया, ये कौन सा है, ब्लड प्रेशर है, कितना है, लेन एक फंक्शन है, लेन लगा दो तो बता देगा कितना है, 35 लोगों का ब्लड प्रेशर जीरो है, ठीक है। तो इसको हैंडल करना पड़ेगा, कैसे हैंडल करेंगे वो भी सिखाएंगे। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर स्क्रीन टच पे, जीरो बीपी, बीपी जीरो कितने लोगों का है, कितना लोगों का बीपी जीरो है, जीरो बीपी है 35 लोगों का। तो उसी तरह से ये तो बीपी गया जीरो, और क्या कॉलम है, ग्लूकोज भी है, नहीं ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर तो गया, इसे ग्लूकोज को देखते हैं। तो एक काम करते हैं यहाँ पर हम लिखते हैं df डॉट कॉलम, तो कॉलम दिखा देगा क्या क्या है, तो मुझे बार बार जाके देखना नहीं पड़ेगा। तो मैं देख रहा हूँ अभी लेट से प्रिंट जीरो ग्लूकोज, जीरो ग्लूकोज कितने लोगों का है, लेन ऑफ कोई फॉर्मेट है, डीएफ ऑफ ग्लूकोज क्या लिखेंगे, इक्वल टू जीरो, 5 लोगों का ग्लूकोज जीरो, ठीक है। 3 कितने लोगों का जीरो है, तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्किन थिकनेस, उसके यहाँ चेंज करो क्या, क्यों बार बार लिखेंगे, ठीक है। फिर दिखाएंगे क्या ना, बॉडी मास इंडेक्स, ग्लूकोज गया, ब्लड प्रेशर गया, स्किन गया,
वो इंसुलिन, जीरो इंसुलिन कितने लोगों का है? देखिए बाप रे, 374 लोगों का इंसुलिन क्या है? जीरो है। देन बॉडी मास इंडेक्स, तो बॉडी मास इंडेक्स क्या है, कितने लोगों का है देखते हैं, फिर टेस्ट करो, जीरो क्या लिखेंगे ना, बीएमआई, तो फिर लिखो बीएमआई 11 लोगों का है, ठीक है, बाकी तो पेडिग्री है, मैं कॉपी कर लेता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक ना होगा, तो देखो मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट किया मैंने, कितना है, पेडिग्री जीरो किसी का नहीं है, और लास्ट वाला क्या है ना, एज, एज देखिए, लास्ट दो कॉलम में जीरो किसी कोई भी नहीं है, ठीक है, हम पहला कॉलम को कंसीडर नहीं करेंगे कि प्रेगनेंसी जीरो हो सकता है, ठीक है, और रिजल्ट हमारा आउटपुट है उसमें जीरो रहेगा, जीरो मतलब डायबिटीज नहीं है, और मतलब डायबिटीज है, इसको हम उसमें हम नहीं जाएंगे, वो तो कॉलम जैसा वैसा रहेगा। तो इन कॉलम से हमने देखा, ऐसे बहुत सारा कॉलम्स है जहां पर क्या है, मिसिंग वैल्यूज है, जीरो है, तो हम क्या करेंगे, बहुत सारा टेक्निक हो सकता है, हम इसको डिलीट कर दें, ठीक है, तो 378 हमारे पास 760 डाटा है, और 374 डाटा हम डिलीट कर देंगे तो बहुत डाटा लॉस हो जाएगा, नहीं, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इस डाटा को फिल करेंगे, कैसे करेंगे, जो जो कब जहाँ जहाँ पर मिसिंग वैल्यू है उस कॉलम में, उस कॉलम का मीडियन वैल्यू निकाल लेंगे या मीन वैल्यू निकाल लेंगे, उसके जगह पर फिलिंग कर लेंगे। तो ये फिलिंग करने के लिए बहुत सारे टेक्निक है, ये मैं एक एक टेक्निक यूज कर रहा हूँ, तो बहुत सारे टेक्निक है हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं एक टेक्निक दे रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, फिल द जीरो वैल्यूज बाय मीडियन वैल्यू, जहां जहां पर जीरो है उसको उस कॉलम का मीडियन निकालो, उसको फिलअप करो, ताकि जीरो नहीं रहेगा, तो कैसे कर सकते हैं, कहां कहां पर था, तो यही चार कॉलम था ना, 1 2 3 4, तो आते हैं, तो पहला कॉलम क्या था, ना ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज में मिसिंग था, तो मैं लिख रहा हूँ उसको, क्या लिख रहा हूँ, ना ग्लूकोज, कॉपी किया यहाँ से, ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज डॉट रिप्लेस करेंगे उस कॉलम में, डीए पर पहले देखो, डीए पर ग्लूकोज है क्या, डीए पर ग्लूकोज क्या है, वो पर्टिकुलर कॉलम है, उसको हम क्या करेंगे ना, रिप्लेस करेंगे, किसको रिप्लेस करेंगे, किसको रिप्लेस करना है, जीरो को, किसके द्वारा करना है, किसके द्वारा करना है, तो उस कॉलम का मीडियन वैल्यू, मीडियन वैल्यू होता है तो स्टैटिस्टिक्स आप देख सकते हो, तो ये रिप्लेस हो गया, ठीक है, तो उसी तरह से बाकी जो कॉलम से उसको करेंगे, स्क्रीन को भी करेंगे, मैं स्क्रीन को भी रिप्लेस करूंगा, देखिए ये एक केस था, हमें यहाँ पर ये टेक्निक हर जगह पर वही सेम टेक्निक नहीं यूज होता है, डिफरेंट डाटा के लिए डिफरेंट टेक्निक यूज होता है, डॉट रिप्लेस, स्क्रीन में जहां जहां पर जीरो होगा उसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, डॉट व्हाट, मीडियन वैल्यू, तो मीडियन वैल्यू से रिप्लेस कर लिया, इसको भी रिप्लेस कर लिया, और क्या था, और एक था इंसुलिन, इंसुलिन को भी रिप्लेस करेंगे, डॉट रिप्लेस, क्या करेंगे, रिप्लेस जीरो को किसके द्वारा, डॉट मीडियन, ये भी रिप्लेस हो गए, फिर अभी और एक ही बचा है, क्या है, बॉडी मास इंडेक्स, तो उसमें भी कुछ जीरो वैल्यूज था, उसको हम रिप्लेस कर लेंगे, इक्वल टू डॉट
रिप्लेस करो, इसको जीरो को करो, किसके द्वारा करना है? डॉट मीडियन। हाउ रिप्लेस हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं टेबल जीरो है क्या, कैसे चेक करेंगे? मैं देखना चाहता हूं कि अभी किसी में जीरो है क्या, चेक करते हैं। डॉट अब चेक करते हैं, इक्वल इक्वल जीरो है नहीं, लेन लगाएंगे, क्यों? हमने सबको रिप्लेस कर लिया, क्या जीरो अभी तो आ रहा था, बॉडी मास इंडेक्स 11 कॉलम 11 एलिमेंट। तो अभी मेरा जो डाटा सेट है उसमें कहीं पर भी जीरो नहीं, मतलब तो एक्सेप्ट फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम, उसके बाद दूसरा, तो मैंने हैंडल कर लिया। अगर मैं छोटा सा सैंपल दिखाऊंगा, डीप डॉट सैंपल, सैंपल मतलब रैंडमली दिखाएगा, सैंपल रैंडमली दिखाता है, सैंपल देखो जीरो नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, डाटा तो अभी ठीक है, अब क्या करेंगे ना, अभी हम क्या करेंगे, इस डाटा को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्यों? एक रहेगा इनपुट और एक रहेगा आउटपुट। तो इनपुट में कौन कौन रहेगा ना, इनपुट में ये सारा कॉलम रहेगा और आउटपुट में क्या रहेगा ना, रिजल्ट रहेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, क्या लिखा हमने, डिफाइन द डाटा सेट इनटू इनपुट एंड आउटपुट, ये सिखाएंगे ना, ये इनपुट है उसका आउटपुट है, इसको सिखाएंगे। तो कैसे डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल सा तरीका है, बहुत सारे तरीका है, ये सबसे आसान था, ये मैं जो यूज कर रहा हूँ ये सबसे आसान है, सबसे। x क्या लिखेंगे, x इक्वल टू, x में क्या रहेगा ना, जो लास्ट कॉलम है उसको छोड़कर सब रहेगा, तो देखेंगे डॉट क्या, ड्रॉप, लास्ट कॉलम को ड्रॉप कर दो, कौन सा कॉलम ड्रॉप करेंगे, रिजल्ट, ठीक है। और y क्या होगा ना, y में सिर्फ लास्ट कॉलम रहेगा, क्या रहेगा, df of df dot result, और x और y सेपरेट हो गया है, देखना चाहते हो देखो, देख रहे हो, तो x में क्या है, x में अभी लास्ट वाला रिजल्ट नहीं है, देख रहे हो, y में क्या है, सिर्फ जीरो वन, मतलब x इनपुट है, y क्या है, उससे क्या आउटपुट, करस्पॉन्डिंग आउटपुट, तो y में क्या है, ओनली जीरो वन है, जीरो मतलब नो डायबिटीज, वन मतलब डायबिटीज है। तो यहां तक हमने कर लिया, सेपरेट कर लिया, सेपरेट तो हो गया, अब क्या करेंगे, अभी हम सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे मॉडल को, तो मॉडल को ट्रेनिंग कैसे देंगे, तो ये x था ये y था, हो गया। अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास 768 सैंपल्स है, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास 100 क्वेश्चन है, उस 100 क्वेश्चन का आंसर भी है, तो मैं क्या करूंगा, सारा स्टूडेंट जो है उनको 100 क्वेश्चन दिया, उसका आंसर भी दे दिया, 100 क्वेश्चन और उसका आंसर दे दिया, ओके। तो 100 क्वेश्चन और उसका आंसर दे दिया, तो जब मैं सारा क्वेश्चन उसका आंसर दे दिया, तो मैं बताया कि आप लोग क्या करो, मैं इसको पढ़ के आओ, सीख के आओ, कल मैं इसी क्वेश्चन से आपको पूछूंगा। तो क्या इस तरीके, इस टेक्निक से मुझे पता चल पाएगा कि कौन सा स्टूडेंट सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देगा, नहीं पता चल पाएगा, क्यों, क्योंकि सब स्टूडेंट जो है उनके पास क्वेश्चन है आंसर है। तो ये तरीका थोड़ा चेंज किया मैंने, क्या किया, तो मैं सारा स्टूडेंट को 100 क्वेश्चन नहीं दिया, 80 क्वेश्चन दिया या 70 क्वेश्चन दिया, 80 क्वेश्चन और उसका आंसर दे दिया, बोला कि देखो स्टूडेंट्स आप 80 क्वेश्चन और उसका आंसर लेकर पढ़ के सीख जाओ, तो कल जब आओगे टेस्ट देने के लिए, जो 20 क्वेश्चन मेरे पास है, जिसका आंसर भी मेरे पास है, जिसको मैंने आपको नहीं दिया है,
उसी से मैं टेस्ट कर पाऊंगा। तो उस टाइम में क्या होगा, स्टूडेंट लोग जो 80 क्वेश्चन उसके आंसर से पढ़ के जो नॉलेज कलेक्ट किए होंगे उसी के हिसाब से प्रेडिक्शन करेंगे मेरा 20 क्वेश्चन का आंसर। तो उससे मुझे पता चलेगा उस 20 क्वेश्चन का आंसर तो मेरे पास ऑलरेडी है ना, तो उनका प्रेडिक्टेड आंसर और मेरा आंसर दोनों को मैच करवा लूंगा। तो उस टाइम में क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा कौन सा स्टूडेंट का कितना क्वेश्चन आंसर करेक्ट है। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा मैं जान पाऊंगा कि कौन कितना एक्यूरेट है, कौन कितना अच्छे तरह से ट्रेंड है। तो ये काम के लिए हम क्या करेंगे, हम सारा डाटा से ट्रेनिंग नहीं देंगे, हम डाटा को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक ट्रेनिंग के लिए और एक टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मैं लिख रहा हूं स्प्लिट द डाटा सेट इनटू टू पार्ट्स। क्या क्या है, वन फॉर ट्रेनिंग एंड अनदर फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। तो ट्रेनिंग के लिए नॉर्मल हम ज्यादा देंगे, लेट्स से 80 और 70 देंगे, और टेस्टिंग के लिए हो सकता है 30 और 20 रखेंगे। ये काम हम करेंगे। तो मैं इस ये काम करने के लिए एक फंक्शन है जिसका नाम है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। वो कहाँ पर है, जो मशीन लर्निंग का जो एल्गोरिथम है उसका नाम है साइकिट लर्न। तो मशीन लर्निंग का सारा एल्गोरिथम प्रेजेंट है, हम लिख रहे हैं फ्रॉम एसके लर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो एसके लर्न मॉडल ट्रेन टेस्ट स्प्लिट नाम का एक फंक्शन है मॉडल सिलेक्शन मॉड्यूल में एसके लर्न पैकेज में। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ये डिवाइड करेगा दो पार्ट, लेकिन ये फंक्शन चार पैरामीटर रिटर्न करता है, एक्सट्रेन कॉमा एक्सट्रेस कॉमा। बताऊंगा ये क्या है, फाइव टेस्ट इक्वल्स टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। किसको करना है, एक्स और वाई को करना है, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे ट्रेनिंग टेस्टिंग। जहां पर एक्स है वो इनपुट है, जहां पर ट्रेन है वो ट्रेनिंग के लिए, और जहां पर वाई है वो आउटपुट है, और जहां पर टेस्ट है वो टेस्टिंग के लिए। कितना पार्ट में डिवाइड करेंगे, जैसे टेस्ट अंडरस्कोर साइज इक्वल्स टू कितना 0.2। अगर टेस्टिंग के लिए 0.2 है 20% है, तो ट्रेनिंग के लिए कितना है 80% है, कॉमा रैंडम सेट इक्वल टू मैंने दिया है 7। बताएंगे रैंडम सेट का काम क्या है, रैंडम सेट का काम होता है हर एक बार, अगर इसको फिक्स नहीं करेंगे हर एक बार ट्रेनिंग और टेस्टिंग में रैंडम डाटा स्प्लिटिंग होता है, ये उसको हर एक बार फिक्स रखेगा। मैं रन किया, आप लोगों के साथ दिखाए थोड़ा क्या है, एक्चुअली एक्सप्लेन क्या है। देखिए एक्स ट्रेन जो है वो 80% डाटा का इनपुट है, 80% और रैंडमली आया है। देखो 289328 सेव कितना है 614, मतलब हम 614 डाटा से ट्रेनिंग देंगे। और एक्स टेस्ट क्या है, जो टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे एक्स टेस्ट डॉट सेव 154 है। तो 614 डाटा से ट्रेनिंग सिखाएंगे, 154 डाटा से टेस्टिंग करवाएंगे। और वाई ट्रेन क्या है, तो वाई ट्रेन जो है वो एक्स ट्रेन का आउटपुट है, उसमें सिर्फ 0-1 होगा, डॉट अगर स्टेप देंगे तो कितना आएगा, मतलब एक्स ट्रेन का आउटपुट वाई ट्रेन। तो एक्स टेस्ट का आउटपुट कौन है, तो वाई टेस्ट डॉट स्टेप। तो ट्रेनिंग टेस्टिंग के लिए स्प्लिटिंग हो गया, लेकिन और एक चैलेंज आ गया है। क्या चैलेंज है ना, अब चैलेंज ये है कि हमारा जो डाटा यहाँ पर है, इसमें देखिए ये डाटा है, ग्लूकोज का यूनिट जो है क्या वो ब्लड प्रेशर का यूनिट है, क्या स्किन का वही यूनिट है, क्या पेडिग्री का वही यूनिट है, क्या सबका सेम यूनिट है, नो सबका सेम यूनिट नहीं। तो ये इस इश्यू को कैसे एड्रेस करेंगे,
प्लीज इसी को किस एड्रेस करेंगे, सबका यूजर सेम नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सबको एक पर्टिकुलर रेंज के बीच में रहने के लिए, जीरो से वन और माइनस वन से वन के बीच में, सब सब वैल्यू एक ही रेंज में आए। क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं क्या, इसको क्या इसको बोलते हैं क्या, फीचर स्केलिंग। क्योंकि अगर सबका यूनिट डिफरेंट है तो मशीन को सिखाएगा तो बहुत ज्यादा टाइम लेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हर एक एल्गोरिथम के लिए नहीं चाहिए, जहां पर डिस्टेंस यूज होता है वैल्यू यूज करते हैं। जहां पर डिस्टेंस इज अ मेजर फैक्टर, लाइक मैं यहां पर के एन यूज करूंगा, के एन में डिस्टेंस यूज होता है, यूक्लिडियन डिस्टेंस, इसीलिए मैं स्केलिंग कर रहा हूं। डिसीजन ट्री होगा, रैंडम फॉरेस्ट और जो एल्गोरिथम है वहां पर ये रखना नॉट रिक्वायर्ड। तो फीचर स्केलिंग हम करेंगे, क्या करेंगे, हम स्केल डाउन करेंगे वैल्यूज। तो हम यहाँ पर एक स्केल डाउन यूज करेंगे, इसका नाम है मीन मैक्स स्केलर। तो मैं सारा वैल्यू को जीरो और वन के बीच में स्केल कर दूंगा। कैसे, ये कहाँ पर है, मैं लिखा फ्रॉम स्केलर डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट मीन। एक स्टैंडर्ड स्केलर भी है मीन मैक्स स्केलर, तो इंपोर्ट किया और मैं इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, एम एस इक्वल टू मीन मैक्स। मीन मैक्स स्केलर एक क्लास है स्केलर, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बनाया। अब क्या करेंगे ना, एक्स ट्रेन मीन मैक्स स्केलिंग इक्वल्स टू ट्रेनिंग में कितना है, 614 है, तो उसको मैं स्केल कर रहा हूँ क्या डॉट, उसमें एक मेथड है फीट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, ये क्या करेगा, कन्वर्ट कर लेगा सबको जीरो और वन के बीच में। क्या इनपुट देंगे, एक्स टेस्ट। तो उसी तरह से एक्स टेस्ट भी है, एक्स टेस्ट एम एस मतलब आफ्टर ट्रांसफॉर्म इक्वल टू एम एस डॉट फिट अंडर स्कोर ट्रांसफॉर्म एक्स अंडर स्कोर टेस्ट हो गया। तो आप देखना चाहते हो, देखो एक ट्रेन अंडर स्कोर एम एस, देखो ये आपका पैरामीटर है, सारा वैल्यू जो है वो जीरो और वन के बीच में देख पा रहे हो, सारा वैल्यू। तो इस तरह का डाटा नहीं है, ऐसा नहीं क्योंकि ठीक है, तो सब हमने इसको सबको स्केल डाउन कर लिया है, सबको एक पर्टिकुलर रेंज में रखा है जीरो और वन के बीच। तो हो गया, अब करना क्या है, देखिए आपके पास डाटा रेडी है, इनपुट रेडी है, आउटपुट रेडी है। आउटपुट क्या है, जीरो वन में। अब क्या करना है, मुझे सिखाना है मशीन को, ट्रेन द मॉडल, ट्रेन द मॉडल। ट्रेनिंग के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ एक KNN एल्गोरिथम, बाय यूजिंग KNN एल्गोरिथम, ट्रेन द मॉडल बाय KNN। KNN एक पॉपुलर एल्गोरिथम है, के नियरेस्ट नेबर, मेरा नेबर मैक्सिमम नेबर जैसा होंगे मैं वैसा हूँ, पर मेरा मैक्सिमम नेबर्स को कोरोना हो गया है तो इसका मतलब मुझे भी कोरोना होना चाहिए, इस तरह काम करता है नियरेस्ट नेबर। सपोज मुझे स्टूडेंट का ब्रांच प्रेडिक्ट करना है, वो जहाँ खड़ा है उसके पास बहुत सारा स्टूडेंट्स है, मैं नियरेस्ट लेफ्ट से पांच स्टूडेंट लिया, उसका नियरेस्ट पांच स्टूडेंट, और देखा कि उसके नियरेस्ट पांच स्टूडेंट हैं में से चार कंप्यूटर साइंस के, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो KNN बताएगा कि ये जो स्टूडेंट है वो कंप्यूटर साइंस का। तो ये इस तरह काम करता है, इसके नाम यूज करते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस और मैनहट्टन डिस्टेंस, वो उसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, वो हम रेगुलर क्लास बताएंगे, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे काम करता, तो इसको यूज करना पड़ेगा KNN को। KNN कहां पर है, फ्रॉम एसके डॉट neighbors import k neighbors classifier, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्लासिफिकेशन है। कैसे, आउटपुट क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक है सर, एम्स छोटा हो गया है, हो गया। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्लासिफिकेशन का है, क्यों, डायबिटीज होगा कि नहीं होगा,
तुम्हें इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, देखा के इक्वल्स टू के नेबर क्लासिफायर, और मैं दे रहा हूँ लेट से ए अंडरस्कोर नेबर्स इक्वल टू 7, मैनुअल दे रहा हूँ। इसका तरीका है कैसे हम हीट एंड ट्रेवल देते हैं, इसका ट्यूनिंग तरीका है, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग हम ट्यूनिंग कर सकते हैं, बट अभी के लिए सोचो कि मैं एक रैंडम जैसे दिया हूँ कि उसका 7 नेबर, अगर उसका मैक्सिमम 7 नेबर नेबर को वो कंसिडर करेगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, देन क्या करेंगे, सिखाएंगे क्या, लेकिन सिखाने के लिए एक फंक्शन है फिट, के डॉट फिट, लास्ट क्लास में बताया था, क्या बताएंगे, एक्स ट्रेन अंडरस्कोर क्या था एम एस, उसका आउटपुट क्या था वाई ट्रेन। तो मॉडल सीख गया, हमने सिखा दिया मॉडल, मॉडल सीख गया किसको डायबिटीज है किसको नहीं है, सीख गया, सीखने के बाद क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, टेस्ट द मॉडल, लेकिन टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास क्या है, टेस्टिंग डाटा है, टेस्ट द मॉडल बाय टेस्टिंग डाटा, कैसे करेंगे, लिखा लेट्स से y ट्रेड इक्वल्स टू k डॉट प्रेडिक्ट, मॉडल प्रेडिक्ट करो, किसको प्रेडिक्ट करना है, किसको प्रेडिक्ट करना है, x अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर एम एस स्केल डाउन जो हुआ था उसको प्रेडिक्ट करना है, तो प्रेडिक्ट किया, प्रेडिक्ट करने के बाद आंसर दिखाएगा, देखते हैं y प्रेड, तो वो 100 प्रेडिक्शन के लिए कितना था, 154, 154 लोगों का आंसर ये है, ये प्रेडिक्टेड आउटपुट है, ये एक्चुअल आउटपुट नहीं है, ठीक है, ये प्रेडिक्टेड आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट क्या है इसका, इसका एक्चुअल आउटपुट है वाई टेस्ट, ये एक्चुअल आउटपुट है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे तो ये आपने प्रेडिक्ट किया है सीखने के बाद, लेकिन उसका एक्चुअल आंसर ये था, तो अब करना क्या है, फाइंड एक्यूरेसी, तो क्लासिफिकेशन में हम लोग एक्यूरेसी फाइंड करते हैं, रिग्रेशन में एरर फाइंड करते हैं, तो क्या करेंगे, फाइंड द एक्यूरेसी, फाइंड द एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कैसे फाइंड करेंगे, एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए भी एक फंक्शन है, सब चीज के लिए है, फ्रॉम एसक्यूएल, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस होने से हो जाएगा, हम बहुत सारे बैच को पढ़ा चुके हैं, हम इस पे काम करते हैं इसीलिए हमको याद है, तो आप लोग भी धीरे धीरे एक्यूरेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जाएगा। इसके लिए अनबाउ मैट्रिक्स इंपोर्ट एक्यूरेसी, एक्यूरेसी स्कोर नाम के फंक्शन, तो मैं जानना चाहता हूँ कि एक्यूरेसी है कितना, एक्यूरेसी इक्वल टू एक्यूरेसी स्कोर जो फंक्शन था उसमें देंगे किसको, वाई टेस्ट जो कि एक्चुअल आंसर है, और y prediction जो कि मॉडल 80% डाटा से सीखने के बाद जो प्रेडिक्ट कर रहा है वो है, तो एक्यूरेसी कितना है देखते हैं, कितना आया है 75% एक्यूरेसी आया है इस पर्टिकुलर काम में, हमारा एक्यूरेसी कितना आया है 75%, ओके, इसको हम बढ़ा सकते हैं रिटर्न ट्रायल करके, ट्यूनिंग करके, नेबर्स चेंज करके, रैंडम सेट चेंज करके, है कॉन्सेप्ट, अभी सोचो कि 75% को सही प्रेडिक्ट कर रहा है, 25% को गलत प्रेडिक्ट कर रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं, एसी सी इक्वल टू एसी सी इनटू क्या लिखेंगे, 100 करेंगे, उसको राउंड ऑफ कर लेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, कॉमा दिया मैंने कितना, 2, मतलब डेसिमल पॉइंट पर कितना आएगा, 2 आएगा, अब लिख रहा लेट्स में प्रिंट एक्यूरेसी इज कॉमा एसएससी कितना है 75%, सपोज और एक बार दिखाओ लेट्स से थोड़ा स्टेज करो, और यहाँ पर जो के नियरेस्ट नेबर था मैं इसको 11 कर रहा हूँ, ठीक है, फिर से रन कर रहा हूँ, देखते हैं एक्यूरेसी क्या होता है,
कितना हो गया, एक्यूरेसी बढ़ गया, नहीं 79 हो गया। तो उसका एक कॉन्सेप्ट है ट्यूनिंग का, एडजस्टमेंट का, वो एक टॉपिक है, डिफरेंट टॉपिक है, आई विल कवर दैट ऑन द नॉर्मल रेगुलर क्लास बिकॉज इट इज पॉसिबल नहीं सारा चीज कवर करना इसमें। तो अभी एक्यूरेसी बढ़ गया है, तो मैं एक्यूरेसी मिल गया, मैं जानना चाहता हूँ कि कितना लोगों को एक्चुअली डायबिटीज था और मॉडल सही से प्रेडिक्ट किया है, कितना लोगों को नहीं था वो भी सही प्रेडिक्ट किया है, तो ये जानना चाहता हूँ। वो कैसे जानूंगा, इससे मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स। क्या कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्रिएट करो, इससे आपको पता चल जाएगा और बेहतर पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, कर रहा हूँ sklearn.matrix import confusion matrix, confusion matrix को import करो, ठीक है, cm equal to जैसे confusion matrix में क्या देंगे, जो आउटपुट था y test, क्या एक्चुअल आउटपुट था कमा y ट्रेड, ये प्रेडिक्टेड आउटपुट था। अब cm को दिखाते हैं, नहीं देखो cm क्या है, इस सबक में आ रहा है जो टेस्टिंग के लिए कितना था 154 था, तो चारों को मिलाओ 154 आ जाएगा, लेकिन 89, 24, 80 है क्या, बता रहा हूँ इसका मतलब एक्चुअल नो, इसका मतलब एक्चुअल ये क्या है बता रहा हूँ, एक सेकेंड, ये है प्रेडिक्टेड नो, ये प्रेडिक्टेड ये, इसका मतलब है 89 लोगों को एक्चुअली डायबिटीज नहीं था और मॉडल ने भी बताया उनको नहीं, मतलब ये जीरो था, ये जीरो बताया, तो ये सही प्रेडिक्शन। लेकिन सेकेंड वाला जो 8 है ये गलत प्रेडिक्शन है, क्यों, क्योंकि एक्चुअली 8 लोगों का डायबिटीज नहीं था, लेकिन आपका जो मॉडल बता रहा है कि उनको डायबिटीज है, तो ये गलत प्रेडिक्शन। थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम क्या था, एक्चुअली ये एक्चुअली 24 लोगों को डायबिटीज था, लेकिन मॉडल बोल रहा है कि इसको नहीं, ये गलत प्रेडिक्शन। देन ये 33 है, 33 लोगों को डायबिटीज था, मॉडल भी बता रहा है डायबिटीज है, तो ये सही प्रेडिक्शन। तो 89, 33 ये सही प्रेडिक्शन, ठीक है, और बाकी जो है वो गलत प्रेडिक्शन। तो कैसे करेंगे इसकी, अगर हम ऐसा करेंगे इसको एक्यूरेसी निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, देखो सही क्या क्या है, सही है आपका 89 प्लस कितना है 33 होल डिवाइड बाय कितना, सबको मिलाओ 89 प्लस क्या लिखेंगे 33 प्लस 8 प्लस क्या 24, ये 154 ही है। दोनों को देखो तो यहाँ पर जितना एक्यूरेसी आया था यहाँ पर भी वही है, अंडरस्टूड, 79% एक्यूरेसी, ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स, इसे बेहतर पता चलता है, ठीक है। अब मुझे मैं जानना चाहता हूँ, एक नया आदमी आया है, काम किसके लिए कर रहे हैं हम, नया आदमी के लिए, जब एक नया यूजर आएगा हम जानना चाहते हैं कि उस नया आदमी का स्टेटस क्या होगा, हमारा मॉडल उसे क्या देगा आंसर, ठीक है। तो एक नया आदमी आएगा तो हमारा जो डाटा फ्रेम था, एक बार दिखा रहा हूँ, जैसे ये था, नहीं ये था ना, df में लिख रहा हूँ जैसे डॉट हेड, मैं 2 दिखा रहा हूँ, लेट्स से 2 लोगों का है, लेट्स से एक नया आदमी आया है, न्यू पर्सन, न्यू डाटा क्या है, उसका है
लेट्स से यहाँ पर 5 है, सेकंड है 1, लेट्स से 150 है, थर्ड क्या है लेट्स से 75 है, देन स्किन कितना है लेट्स से वही 35 है, इंसुलिन कितना है 31 है, बॉडी मास इंडेक्स कितना है 34 है, देन पेडिग्री कितना है लेट्स से 0.7 है, कॉमा एज कितना है लेट्स से 51 है, तो 51 है ठीक है, इसको हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं। लेकिन ये जो डाटा को पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्केलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि हमने स्केल करने के बाद ट्रेनिंग किया, दिया था न्यू पर्सन इक्वल क्या देखेंगे, स्केलर का नाम क्या था एमएस मिनमैक्स स्केलर डॉट, यहाँ पर भी फिट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म क्या करेंगे न्यू पर्सन, तो मैं लिख रहा हूँ न्यू पर्सन अंडरस्कोर एमएस इक्वल तो ट्रांसफॉर्म हो गया। तो मॉडल का नाम क्या है के डॉट, प्रेडिक्ट करो इसको, ना प्रेडिक्ट करना है मुझे न्यू पर्सन अंडरस्कोर एमएस, क्या आंसर मिला 1, मतलब उसको डायबिटीज हो सकता है या हो गया है, तो मॉडल ने ये प्रेडिक्ट। तो मैं लास्ट क्लास में एक आपको जीयूआई दिखाया था, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसके बाद क्या है इम्प्लीमेंटेशन। अगर आप इतना एक्यूरेसी से सैटिस्फाइड नहीं हो फिर क्या करोगे, फिर जाकर फिर प्रोसेसिंग करोगे, एडजस्टमेंट करोगे, पैरामीटर ट्यूनिंग करोगे ठीक है, फिर लास्ट पे जो है इम्प्लीमेंटेशन है, आप एक वेब बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, नहीं तो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पिकेंटर में बना के कर सकते हो ठीक है, जहां पर कुछ फील्ड होगा, एक नया यूजर आएगा उसका सब डाटा एंटर करेगा तो वो प्रेडिक्ट करके दिखा देगा ठीक है। सो अबव 80 यू कैन से इज अ गुड एक्यूरेसी, और उससे बढ़ेगा तो अच्छा है, नो प्रॉब्लम, तो ये प्रेडिक्ट कर लिया मैं। तो उसी तरह से जो भी न्यू यूजर आएगा उसका जो डाटा आएगा उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे फिर पेटिशन करेंगे। तो हमने क्या क्या किया, हमारे पास डाटा था, हमने इसको लोड किया, फिर हमने क्या किया उसको एक फिर से एक जस्ट क्विक रिमाइंडर दे रहा हूँ, डाटा था, डाटा को हमने प्रोग्राम में लोड किया, लोड करने के बाद हमने इसका एनालिसिस किया, कितना डाटा है और उसमें कितना लोगों का डायबिटीज है कितना लोगों का नहीं है, फिर हमने क्या किया उसको ग्राफिकली विजुअलाइज किया, परसेंटेज वाइज देखा, फिर हमने क्या किया कि देखा कि कहीं पर कुछ मिसिंग वैल्यू है क्या, मिसिंग वैल्यू नहीं था लेकिन जीरो वैल्यू था, तो जो जो कॉलम में जीरो वैल्यूज था उसको हमने उसका मीडियन वैल्यू से रिप्लेस किया, अभी डाटा सेट पर जीरो नहीं है। फिर हमने क्या किया ना तो दो पार्ट में डिवाइड किया इनपुट और आउटपुट, फिर हमने क्या किया डिवाइड करने के बाद हमने इसको स्प्लिटिंग किया, हम हमारे पास जो सारा डाटा था हम सारा डाटा से ट्रेनिंग नहीं देंगे, तो 80% में ट्रेनिंग दे रहे हैं 20% में टेस्टिंग कर रहे हैं, तो ये करने के बाद फिर हमने एक मॉडल इसको क्या करेंगे, हमने देखा कि सारा जो डाटा है उसका सारा यूनिट सेम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट स्केलिंग करना पड़ा, स्केलिंग के लिए हमें इसके हैं मिनमैक्स स्केलर, वो भी बहुत सारा का स्केलर है, ये सारा वैल्यू को 0 और 1 के बीच में स्केल डाउन कर दिया, करने के बाद आपने एक मॉडल के नियरेस्ट नेबर क्लासिफायर के नेबर क्लासिफायर को यूज किया और मॉडल को सीखा कि इनपुट और आउटपुट 80% डाटा से सीखा दिया, फिर बाकी जो 20% डाटा से आपने टेस्टिंग किया, प्रेडिक्ट किया, टेस्टिंग किया, टेस्ट करने के बाद आपने एक्यूरेसी स्कोर निकाला और आपका एक्यूरेसी आया है 79.22%, और फिर आपने कंफ्यूजन मैट्रिक्स से दिखाया कितना लोगों का सही प्रेडिक्शन हुआ है, कितना लोगों को डायबिटीज था और मॉडल बताया हाँ है, कितना लोगों का नहीं था हाँ मॉडल बताया नहीं है, तो गलत प्रेडिक्शन आपको क्लियर पिक्चर मिल गया। फिर आपने अभी जब एक नया पर्सन आता है उसको कैसे प्रेडिक्ट करना है, लेकिन ये यहाँ पर एक्यूरेसी कितना है 79 है ठीक है, फिर हमारा अगर हम चाहें तो फिर प्लान करेंगे कि इसका एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं, वो डिफरेंट मैटर है, बट ये एक कॉन्सेप्ट था।
आपने देखा कैसे हुआ है, इम्प्लीमेंट हुआ है। तो ये जो मेरा कोर्स था, तो ये जो कोर्स था दो टू डेज का डेमो था। ठीक है, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग एंड हैविंग पेशेंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।